बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाई आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता, मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टार्को टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था, संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोंट बर्थडे किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदागिरी। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैसिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर स्लामपुरिया एनर्जी बिसाइड मधुबन बेसिस बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। बिरनी के पडरमनिया में आसमानी कहर ने ली एक 12 वर्षीय बच्चे की जान। सौत से लौटने के क्रम में वज्रपात की चपेट में आया कुंदन। घटना से परिजन सहित पूरा गांव है मर्माहत। उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना पदडीहा के घटवार टोला व डुमरी थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला में की छापेमारी। बड़े पैमाने पर शराब बनाने वाले जावा व अन्य सामग्रियों को किया गया नष्ट। छापेमारी के दौरान जमीन में गाड़ कर रखे गए शराब का मिला जाल। महाराम नामी को लेकर मुफस्सिल थाना डीएम की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। अखाड़ा समिति के लोगों को सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का दिया गया निर्देश। सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का किया गया आग्रह। जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम के द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण कर स्टॉल लगाने वाले कई दुकानदारों के काटे गए चालान। और खतिहान के नकल के लिए किसानों को परेशान किए जाने के विरोध में किसान मंच ने दिया धरना। प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर लगाया भूमाफियों के साथ साठ गांठ का आरोप। अब खबरें विस्तार से। बिरनी के पडरमनिया में आसमानी कहर की चपेट में आने से 12 वर्षीय कुंदन कुमार नामक बच्चे की मौत हो गई। कुंदन शौच के लिए गया हुआ था, जब वह वापस लौट रहा था तभी वज्रपात हुई और वह चपेट में आ गया। घटना से परिजन सहित पूरा गांव मर्माहत है। जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के पडरमनिया गांव में मंगलवार को आसमानी कहर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद सब को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मृतक पडरमनिया के रहने वाले लीलधारी मंडल का 12 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार मंडल है। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और कुंदन को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि मृतक कुंदन दोपहर में शौच के लिए घर से थोड़ी दूर गया हुआ था, इसी बीच आसमान में काले बादल छा गए। इस बीच कुंदन जब घर वापस आ रहा था तभी अचानक बिजली चमकी और तेज वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में आने से मौके पर ही कुंदन की मौत हो गई। उसका नाम पता नहीं, मैं गिर गया तो अभी हाँ हल्का सा लगा है वो ठीक है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के द्वारा मुफस्सिल थाना बड्डीहा के घटवार टोला व डुमरी थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला में छापेमारी की गई, जहां बड़े पैमाने पर शराब बनाने वाले जावा व अन्य सामग्रियों को नष्ट किया गया। इस दौरान टीम ने जमीन में गाड़
रखे गए शराबों को भी जब्त करने में सफल रहे। जहां एक तरफ जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग जिले में अवैध शराब के उत्पाद एवं बिक्री को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं अवैध शराब कारोबारी भी शराब बनाने एवं उसे छुपाकर रखने के लिए नए नए तरीके इजाद करने में लगा हुआ है। उत्पाद विभाग एवं जिले के विभिन्न थाना के द्वारा लगातार किए जा रहे छापेमारी को देखकर शराब कारोबारियों के द्वारा छापेमारी दल एवं पुलिस को चकमा देने के लिए जावा महुआ एवं शराब को घर के अंदर जमीन खोदकर ड्राम एवं गैलन में भरकर छुपाने का काम कर रहे हैं। वहीं छापेमारी दल भी टू डाल मैप पात पात वाली कहावत को चरितार्थ करता नजर आ रहा है और जमीन के अंदर भी गाड़ कर रखे अवैध जावा महुआ शराब को ढूंढ कर निकालने में शराब कारोबारियों से दो कदम आगे चल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह उत्पाद विभाग ने डुमरी थाना अंतर्गत बेलतारी टोला तथा मुफसिल थाना अंतर्गत पासी टोला में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और जावा नष्ट किया है। जलेगा जलेगा। पवन सर को फोन किए थे बुरी ने मोबाइल वाला मारो केस करेंगे इसको। डुमरी में जहां अंचल अधिकारी धनंजय गुप्ता थाना प्रभारी पवन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर डुमरी थाना अंतर्गत बेलदारी टोला 12 अभियुक्तों के यहां छापेमारी कर लगभग 20,000 किलो अवैध जावा महुआ और हजारों लीटर महुआ शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया। इस दौरान लगभग 15 भट्टी को भी तोड़कर नष्ट किया गया है। निकाल माल निकाल है। निकाल प्लट इधर मुफसिल थाना क्षेत्र के बलदिया के घटवार टोला में उत्पाद विभाग की टीम एवं मुफसिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर लगभग 500 गैलन अवैध जावा महुआ एवं अवैध महुआ शराब जब्त कर नष्ट कर दिया। साथ ही गांवों में अभियुक्तों के द्वारा उनके घर पर शराब बनाने की भट्टी को भी नष्ट किया गया। यहाँ पर अभियुक्त सुरेश सिंह, किशुन सिंह, राम सिंह, परमेश सिंह इत्यादि के द्वारा जावा महुआ भरे गैलन को जमीन में गाड़ कर रखा गया था, जिसे छापेमारी दल के सहयोग से खोदकर निकाला गया और नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी दल को देखते ही सभी अभियुक्त फरार हो गए। अब जमीन के नीचे गाड़ गाड़ के रखा है, नहीं सब निकल जाएगा, रुको। इस बाबत अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कहा कि अवैध शराब बनाने मामले में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोगों को विशेष सूचना प्राप्त हुई थी कि डुमरी थाना क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर महुआ चुलाई शराब का कारोबार किया जा रहा है और अगल बगल के क्षेत्रों में महुआ शराब होटल में सप्लाई दे दिया जा रहा है और बिक्री की जा रही है, उससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। अभी रामनवमी पर्व भी आने वाला है, उस मीटिंग में डीसी सर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें डीसी सर के द्वारा निर्देश दिया गया था कि जीटी रोड के अगल बगल जितने भी लाइन होटल, ढाबा और उस क्षेत्र में अगर कोई महुआ शराब भी बनाने वाले हों या विदेशी शराब बनाने वाले हों तो उनका विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर
सभी जगह छापामारी करने का निर्देश उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया था। इसी सूचना पर सीओ डुमरी के साथ एक टीम का गठन किया गया और आज सुबह बेलदारी टोला में छापामारी किया गया। वहां 100 क्विंटल जावा महुआ लगभग बरामद हुआ था। ये सभी शराब रामनवमी के अवसर पर खपाया जाता नज़दीक के बाज़ारों में, उससे शांति व्यवस्था भी बाधित हो सकती थी। अच्छा हुआ सूचना हम लोगों को समय पर मिल गई थी और हम लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। जो भी आदमी कारोबारी थे और कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा और भविष्य में ये लोग आगे कोई इस तरह का दुस्साहस नहीं करें, इसके लिए लगातार छापामारी उस क्षेत्र में जारी रहेगा। महारामनवमी पर्व को देखते हुए मुफस्सिल थाना में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी अखाड़ा समितियों को लोगों को सरकार के गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का आग्रह किया गया। रामनवमी को देखते हुए मंगलवार को मुफस्सिल थाना परिसर में सदर एसडीएम विशालदीप खलको की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, मुफस्सिल क्षेत्र के सभी मुखिया व अखाड़ा समिति के लाइसेंसधारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी लोगों को रामनवमी पर्व के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। साथ ही आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का पर्व मनाने का आग्रह किया गया। और तमाम बैठक के दौरान एसडीएम विशालदीप खलको ने सभी अखाड़ा समिति के लोगों से कहा कि जुलूस के दौरान डीजे पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान भड़काऊ गीत नहीं बजाए जाएंगे। किसी भी धर्म के लोगों को आघात पहुंचे वैसे नारेबाजी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तय रूट से ही अखाड़ा समिति जुलूस निकालेंगे। कहा कि किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। कहा कि पर्व को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। आज रामनवमी को लेकर एसडीओ सर की अध्यक्षता में शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब, नगर थाना प्रभारी, सभी मुखियागण, सभी अखाड़ा लाइसेंसी होल्डर उपस्थित हुए और सभी ने सरकार के दिए गए गाइडलाइन को अनुपालन करने का आश्वासन दिया है और शांतिपूर्ण मनाने का बात कही। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए उप नगर आयुक्त के निर्देश पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण कर सड़क के किनारे स्टॉल लगाने वाले कई दुकानदारों का चालान काट गया और फाइन लिया गया। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए मंगलवार को नगर निगम टीम और नगर थाना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। टीम में प्रशिक्षु सहायक नगर आयुक्त दानिश हुसैन, संदीप कुमार, राहुल यादव, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी समेत पुलिस बल के और निगम कर्मचारी शामिल थे। टीम के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक तक अभियान चलाया गया। इस क्रम में सड़कों को अतिक्रमण कर दुकान सजाने वाले दुकानदारों का चालान भी काटा गया। पच मंदिर के सामने स्थित एक फल दुकान को बार बार मना किए जाने के बावजूद सड़क के किनारे दुकान सजाया जा रहा था, जिसके कारण बाध्य होकर टीम ने
10,000 रुपए का चालान काटा। वहीं सड़क के किनारे अन्य दुकान लगाने वाले दुकानदारों का भी 1,000 रुपए का चालान काटा गया। इस क्रम में टीम ने नाले के ऊपर दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी। वहीं जहां तहां बाइक खड़ा करने वालों को भी फटकार लगाई। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मन पसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह, गिरिडीह। खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श मिश्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑक्सकेन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं,
आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर, तो देर किस बात की है। एक बार पचम्मा रोड अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोदी लेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्रीवेश्वर बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, ST क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लोथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में अपसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं।
बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोलो पचम्बर रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभिलेखकार के अधिकारियों द्वारा महीनों से खतियान के नकल के लिए किसानों को परेशान किए जाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मंच ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भू माफियाओं का साथ गांठ का आरोप लगाया। प्रिंटर खराब होने व मैप इंस्टॉल नहीं होने का बहाना बनाकर अभिलेखगार के अधिकारियों द्वारा महीने से खतियान की नकल के लिए किसानों को परेशान किए जाने के मामले को लेकर किसान मंच के द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान किसानों से जुड़े इस मामले में विधायक द्वारा चुप्पी साधे जाने पर धरना में शामिल किसानों ने नाराजगी जाहिर की और विरोध प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भू माफियाओं के साथ साठगांठ है। भू माफिया चाहते हैं कि किसान के पास अपने जमीन का कागजात नहीं रहे ताकि वे आसानी से किसानों की जमीन का फर्जी कागजात बनाकर हड़प सके। यही कारण है कि भू माफिया के इशारे पर जिला प्रशासन प्रिंटर खराब होने ऐप इंस्टॉल नहीं होने जैसे बहाना बनाकर किसानों को खतियान का नकल नहीं दे रहे हैं। कहा कि मामले को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद भी विधायक के द्वारा मामले को संज्ञान नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। धरना में किसान मंच के तीसरे अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, पूर्व जिला महासचिव गंगाधर यादव, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जोगेंद्र ठाकुर, बैजुन मुर्मू, मौजा कमेटी अध्यक्ष विनोद हेम्ब्रम सहित कई किसान शामिल हुए। गिरिडीह जिला का किसान गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से लगातार आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों जब आंदोलन किया तो कुछ लोगों को खतियान मिला बिना घूस का। जब बिना घूस का खतियान देने के लिए अधिकारियों को विवश होना पड़ा तो अब एक नया तरीका इजाद किए हैं कि भाई हमारा प्रिंटर खराब हो गया है। साधारण सा चीज़ जो प्रिंटर खराब होने की बात है, एक दिन में उसको आसानी से बनाया जा सकता है। पिछला एक महीना से भी अधिक समय से प्रिंटर खराब का बहाना ये लोग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ऐप इंस्टॉल नहीं है। किसान लगातार परेशान हो रहा है। हम लोग पिछले दिनों भी प्रदर्शन शहर में किए थे, इसके बावजूद भी अभी तक किसानों को खतियान नहीं दिया जा रहा है। हम पिछले दिनों माननीय जिला के जितने भी माननीय विधायक हैं सभी के यहाँ गुहार लगाए, लेकिन सारे लोग जितने भी हमारे माननीय हैं पूरा का पूरा चुप्पी साध लिए हैं। जिला प्रशासन के खुशामद में, क्योंकि इनका निजी काम रुक नहीं जाए इसलिए ये चुप्पी साधे हुए हैं। आज हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से जिला के माननीय विधायकों से आग्रह करेंगे कि चूँकि जनता ने हमारी आप किसानों का आवाज़ उठाने के लिए आपको चुना है, इसलिए आप जो है सो किसानों का आवाज़ उठाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें और इसी मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन करें। वाहनों में नंबर प्लेट के अलावे अनाधिकृत तरीके से शाइन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों में साइन बोर्ड या कुछ अन्य लिखने वालों का चलान काटा गया।
यातायात पुलिस की ओर से मंगलवार को अंबेडकर चौक के समीप जांच अभियान चलाकर बिना वाहनों के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावे अनऑथराइज्ड शाइन बोर्ड लगाने वालों की जांच की गई। इस दौरान चार पहिया और दो पहिया वाहन के सामने नंबर प्लेट की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावे कुछ भी लिखा हुआ पाया गया तो उसे रोककर नंबर प्लेट को खुलवाने के साथ ही 500 रुपए का चालान काटा गया। यातायात पुलिस के द्वारा चलाए गए इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मची हुई है। वहीं अभियान में यातायात पुलिस कृष्णकांत विश्वनाथ उराव एएसआई परमेश्वर टोपो सहायक पुलिस राम प्रसाद सुमित किस्कू अजय वर्मा समेत अन्य जवान शामिल हैं। इस बाबत यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उराव ने बताया कि पूर्व से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दो पहिया या चार पहिया वाहनों में अनऑथराइज्ड साइन बोर्ड का प्रयोग नहीं करना है। इसके बावजूद कई लोग आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे देखते हुए जांच अभियान चलाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। कहा कि यदि आप प्राधिकृत नहीं है तो नंबर प्लेट के स्थान पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावे कुछ ना लिखवाएं। प्रेम रंजन राव गिरिडीह यातायात थाना। जैसा कि पूर्व से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अनऑथराइज साइन बोर्ड से संबंधित फाइन काटना है, जो भी जो प्राधिकृत नहीं है वैसे कर्मचारी पदाधिकारी भी अपना नेम प्लेट नहीं लगाते हैं। जो प्राधिकृत हैं ऑथराइज हैं वे ही अपना नेम प्लेट लगा सकते हैं। ये अधिसूचना जारी है, सभी को जानते हैं। साथ ही मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल हो या चार पहिया हो, कोई मुखिया लिख देते हैं, कोई सरपंच लिख देते हैं, कोई अल्लाह अकबर लिख देते हैं, कोई लिखते हैं जय बजरंग बली। ऐसे गाड़ियों को हम लोग रोक करके उनका नेम प्लेट खोल रहे हैं और उनको फाइन भी हम लोग 500 रुपया जो फाइन है वो 500 रुपया हम लोग फाइन कर रहे हैं। अभी कुल मिला के हम लोग छोटी चार पहिया दो पहिया लगभग 17 गाड़ी का हम लोग ने नेम प्लेट खुलवाया है और साथ ही उन पर फाइन किया। लोगों से अपील है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका अनुपालन करना है। अनऑथराइज साइन बोर्ड के तहत अगर आप कोई भी किस तरह का गलती करते हैं तो आपका फाइन कटेगा। आप प्राधिकृत नहीं है, ऑथराइज नहीं है तो ऐसा नेम प्लेट आपको नहीं लिखना है, ना ही गाड़ी में वैसा नंबर प्लेट में कोई कोटेशन लिखना है। इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दें, अन्यथा आप फाइन कटेगी, आपकी फोटोग्राफी होगी और आपका नंबर प्लेट बाजार में हम लोग कहीं भी चेकिंग के दौरान में खोल देंगे। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगड़ी में मंगलवार को घर कब्जा करने का आरोप लगाकर राजकुमार राउत नामक व्यक्ति ने गोतिया के जितेंद्र कुमार के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल जितेंद्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि शिवकुमार राउत और सुशीला देवी ने झगरी में एक नया मकान बनाया है। इसका कोई पुत्र नहीं था। कुछ दिनों से किसी बात को लेकर गोतिया से विवाद चल रहा था, जिसे सल्टाने के लिए शिवकुमार राउत ने अपने दामाद राजकुमार राउत को झगरी बुलाया था। मंगलवार को बात बात में राजकुमार राउत ने जितेंद्र के सिर पर पीछे से लोहे के रड से वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। मेरा घर खगड़िया है और हम अपने सास ससुर के यहाँ यहाँ आए थे, मकान में भी रहते हैं, भगवान है उसी में बगीचा में, और उसके बाद जाके जबरदस्ती यहाँ झगड़ी में घर बनाए हुए झगड़ी में घर बनाए हुए
मतलब जान वाला जमीन पर, उसी पर ही जबरदस्ती कब्जा करके जो है ना, मैंने वही राजकुमार राव, कुमार राव मतलब जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश किया। तो हमारा सास ससुर के मैंने दो लड़किए है, तो हम लोग जो रहते थे वहीं खगड़िया में रहते हैं, तो इसलिए अभी का हाथ हमारा के, तो मैंने कहा कि सब गलत है। ठीक करीब डेढ़ घंटा वही तो मैंने, हम मकान नहीं अथी करेंगे, मैंने छोड़े, हम वो सोचता चचा का उनका जमीन में रहे, हम चचा पर मैंने रहेंगे, वो मेरा हो जाएगा। हमको से मारा रोड लेके चाकू से मारा या देख नहीं पा रहे, लेकिन वही बोले हम खड़ा थे, किसी से आया राजकुमार राव